कराची में डकैती मुजाहमत पर पुलिस ऑफिसर कत्ल। डाकू ने थाना साइट सुपर हाईवे के करीब सब इंस्पेक्टर को गोली मारी। मकतूल आमिर अली वारदात के वक्त सादा लिबास में था। लाश कानूनी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल को सीने पर एक गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। मुलजमान वारदात के बाद आमिर का इस्तेहा भी साथ ले गए। पुलिस ने मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। हमास ने इसराइल को हिला कर रख दिया। हर तरफ से हमला आवर, बर्री, बहरी और फजाई हमले। फलस्तीनी तंजीम का अलक्सा तूफान इसराइल में दाखिल। हमास जंगजुओं का गजा की पट्टी से तेल अवीव पर हमला। काबिज इसराइली इलाकों पर रॉकेट्स की बरसात कर दी। मकामी मेयर समेत 500 से ज्यादा इसराइली हलाक, 1590 जख्मी हो गए। फलस्तीन के इसराइल पर बर्री, बहरी और फजाई हमले। रॉकेट हमलों में इमारतें मिनटों में मलबे का ढेर बन गईं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। जंगजू तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए इसराइल में दाखिल हुए। रास्ते में आने वाले टैंकों को भी तबाह कर दिया। गैरकानूनी मुकीम अफराद को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 23 दिन बाकी। कराची में गैरकानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ घेरा तंग। 872 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दस्तावेजात की छानबीन जारी। गैरकानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाएगा। उधर इस्लामाबाद में गैरकानूनी तौर पर मुकीम 19 गैर मुल्की कानून के शिकंजे में आ गए। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में ऑपरेशन जारी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के इमरजेंसी ब्लॉक का अपग्रेडेशन प्लान। इमरजेंसी ब्लॉक अपग्रेड होगा। वजीर आला पंजाब का PIC का दौरा। अगले हफ्ते के आगाज में इमरजेंसी के ग्राउंड फ्लोर की अपग्रेडेशन का काम शुरू करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने बैरून मुल्क से सर्जन की खिदमात लेने की भी हिदायत कर दी। बोर्ड की मंजूरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर सर्जन को हायर किया जाए। वजीर आला पंजाब का अस्पताल में मरीजों का फराहम करदा सहूलतों और मुफ्त अद्वियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। और पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन जलजिले को 18 साल बीत गए। 2005 को आने वाले कयामत खेज जलजिले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। आज़ाद कश्मीर, हजारा डिवीजन समेत KP में इमारतें मलबे का ढेर बन गई। जलजिले में 80,000 से ज्यादा अफराद जहां बहक हुए थे। हंसते बसते शहर सैकड़ों में उजड़ गए थे। आज़ाद कश्मीर में 8:52 पर सारन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक की शहादाए जलजिला की यादगार पर हाजिरी। फातेह खानी की फूल चढ़ाए।